कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन लॉकडाउन 2 में तमाम जरूरी व्यवसाय जैसे किसानों को खेती आदि के लिए छूट दी जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने तमाम शराब बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 20 अप्रैल से उत्पादन शुरू कर सकते हैं। दरअसल यूपी सरकार के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने एक लेटर जारी किया है और यूपी के सभी मंडल आयुक्तों, जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे इस लेटर से ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू कराने की पूरी तैयारी में है। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मंदी से उबरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि तमाम डिस्टिलरी जो कि प्रदेश में है उनको चालू किया जाए। दरअसल ये शुरुआत इसलिए की जा रही है ताकि सैनिटाइजर और दूसरे मेडिकल के काम में आने वाली स्प्रिट का उत्पादन किया जा सके, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो खुदरा शराब की दुकानें हैं उनमें भी सप्लाई शुरू की जाएगी, जिससे तमाम जो लोग मदिरा पीना चाहते हैं उनके लिए सुविधा हो सके। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ। यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए उत्पादन का काम शुरू करवाया जाए। यह आदेश केवल उत्पादन इकाइयों के लिए है। शराब और बियर की बिक्री के लिए अभी कोई छूट या निर्देश जारी नहीं किया गया है। दरअसल शराब की फुटकर बिक्री के लिए रास्ता खोलने से पूर्व उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया है। वहीं यूपी में ज्यादातर सरकारी कार्यालय भी 20 अप्रैल से खोले जाएंगे। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अंकित सिंह, यूपी तक।